अररिया जिला मुख्यालय स्थित ककुरवा बस्ती में मंगलवार को बैंक ऑफ बड़ौदा की टीम ने एसडीओ द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस बल को लेकर लोन डिफॉल्टर के जमीन पर भौतिक रूप से कब्जा कर लिया। बैंक अधिकारियों ने लोन डिफॉल्टर के गेट पर लगे ताले को तोड़कर अपना ताला लगाते हुए सील कर दिया। बैंक अधिकारियों ने बताया कि आलम बैग हाउस के मालिक साजिद आलम द्वारा लोन की राशि चुकता नहीं करने पर डिफॉल्टर के घर को सील कर दिया गया है। इस मौके पर रिकवरी प्रतिनिधि दीपक सरकार, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सह राजस्व कर्मचारी कृत्यानंद राम, पुरुष व महिला पुलिस बल तैनात थे। यह सरफेसे के तहत इसमें किया गया है। थर्ड वो कागज ना 13-2 पहले इनको दिया था, उसके बाद फिर 13-4 किया गया। 13-4 नवंबर को डीएम का परमिशन हम लोगों को मिला है। 11 नवंबर को डीएम परमिशन मिला, उसके बाद जो फिजिकल पोजीशन के लिए डेट दिया जाता है उसमें डेट दिया गया था। पार्टी को हम लोगों ने बात की थी कि वो पैसा दे देंगे करके, बट अभी तक वो इकट्ठा नहीं कर पाए, तो आज ये सील हुआ है। उस प्रक्रिया के तहत अभी ये नीलामी में जाएगा। अगर उसके पहले वो पूरा पैसा दे देते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यू जिसको बोलते हैं, पूरा पैसा दे देते हैं, तो फिर खाता बंद हो जाएगा और हम लोग सील खोल देंगे। अभी फिलहाल यही है, आलम बैग हाउस करके ये अकाउंट है, करीब 8 लाख का आउटस्टैंडिंग अभी इसके ऊपर है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ आनंद सागर, हम रीजनल रिकवरी इंचार्ज हैं और हमारे ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं आशीष सर। आशीष कुमार, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। आपका सर? ब्रांच हेड आलोक रंजन नाम है जी। क्या बैंक ऑफ बड़ौदा अररिया के ब्रांच हेड है।